ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डीजी आईएसपीआर की जानिब से, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर जो फोर्सेस का नुक्ता नजर है वो पेश किया गया है। जो मेरी पोर अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये समझ आया कि वो थोड़ा शिकवा उनके लहजे में था, जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं और हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है कि फौज तो अपना पार्ट प्ले करती है लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट के एंड के ऊपर आता है वो डिलीवर उस तरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हमारे इशूज़ हैं, फेक न्यूज़ का इशू है, प्रोपोगेंडे का इशू है, डिजिटल टेररिज्म का इशू है, इसको हम काउंटर नहीं कर पाते। आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, आई थिंक नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है। ये कोई फौज ने नहीं बनाया, जिसका प्लान था चाहे 2014 का है, बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट के टाइम पे जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें उसकी शिक्के हैं और इस पे कंसेंसस है, मतलब इस पे पार्टिजन कंसेंसस है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और ये पाकिस्तान के तहफ्फुज की बात है और हमारी फ्यूचर जनरेशन की, तो उसको रिएट्रेट किया गया कि वो ऐसे ही है कि अगर फौज के हाथ बांध के आपने लड़वाना है और बाकी सारे लोगों ने पीछे हट जाना, ऐसा नहीं होगा। उसमें जो कनेटिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस वो चलेंगे, चूंकि ये सिर्फ दहशत गर्दी ही नहीं है बल्कि क्रिमिनल एंटरप्राइज, उन्होंने जिक्र किया इस तरीके से, बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग है, फिर गाड़ियां हैं, उसके बाद ग्रेन है, नारकोटिक्स है और डॉलर की स्मगलिंग है, उससे फिर एक एनवायरमेंट बनती है, फिर इसके अंदर इलीगल लेट से रिपेट्रिएशन ऑफ जो रिफ्यूजीज है उसका भी एक स्पेस बनती है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस तरीके से बने। फिर ओनरशिप है, जो आई थिंक अज़्म-ए-इस्तेहकाम में रिट्रेट किया गया है, ओनरशिप बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज और जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं। जिस तरह बनू की मिसाल दी गई कि उसके अंदर फिर जो है, अगर जलसा हो रहा था उसकी इजाजत भी दी गई थी, तो लॉ एनफोर्समेंट को वहां पे होना चाहिए था, उसके अंदर फिर शरारतबाजी की गई और फिर उसको लिंक किया उन्होंने डिजिटल टेररिज्म के साथ, जिससे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसी कोई चीज होती है उसको ट्विस्ट करके, और बड़े सीनियर लोग, मुझे अफसोस है अभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन सीनियर हमारे एनालिस्ट, सीनियर एंकर और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बीच में आ गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका मतलब है कि एक एजेंडे के तहत ऐसे ट्रीट किया जा रहा है फौज, खुदाना खासा भारत की फौज है जो लड़ रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, और एक फेक नैरेटिव, और उसको आई थिंक पूरा उन्होंने, आई एम श्योर इस पे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस आ चुकी हैं कि ये बिल्कुल प्लान था, शरारतबाजी की गई, आपस में पॉलिटिकल पार्टी ने गोलियां चलाई और दे एक्सपेक्टेड के, और इनको सिर्फ मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि स्ट्रेट शूटिंग की बात की थी जो सो कॉल्ड अपना है मुश्ताक साहब जो है सेनेटर, स्ट्रेट शूटिंग हुई है बांग्लादेश में, वहां पे 150 स्टूडेंट शहीद हुए हैं। स्टेट इस तरह करती है, पाकिस्तान आर्मी में बिल्कुल इस तरह नहीं, कभी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाती, एक रिस्ट्रेंट है, टेररिज्म को भी लड़ रहे हैं, दो दिन पहले अटैक होता है या एक दिन पहले दहशतगर्दी होती है, उसी वॉल के अंदर से आप ब्रीच करते हैं, तो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर सोर्स सर्चिंग की जरूरत है, उस पर एक आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए गवर्नमेंट।